हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां पर भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। जेपीएससी ने एक लिंक जारी किया दोस्तों, वहां पे आप अपना अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उनका लिंक ओपन कर दिया गया, अपना नंबर चेक कर सकते हैं, आपका नंबर कितना रहा था, कितने नंबर से आप रह गए हैं, देखना जरूरी होता है, ठीक है। पता तो नहीं चल पाता है कि कितना नंबर से आप रह गए या फिर कितना नंबर से आपका सिलेक्शन हुआ, आप अपना नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज का नोटिस है, जैसा कि आपको पता ही होगा, कोई भी अपडेट हो, चाहे जेएसएससी का हो या जेपीएससी का हो, सबसे पहले यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए कोई भी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, जितने भी छात्र का जेपीएससी पीटी सिविल सर्विस एग्जाम निकला हुआ है, उम्मीद करते हैं उन लोगों को मेंस का तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा, और तैयारी करते रहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और एग्जाम का डेट बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों, जो डेट दिया गया वही डेट में एग्जाम आपका होने का प्रबल संभावना है, ठीक है। बढ़ेगा तो एक सप्ताह के लिए बढ़ सकता है, लेकिन कम चांस है, ठीक है। लेकिन जो डेट दिया हुआ है उसी डेट पर मार्क मान के चलना है आपको, तैयारी जबरदस्त बनाना है, ठीक है। चाहे देखिए, अभी आपके पास तो कोई समय नहीं है, ठीक है, जोर लगा दीजिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे छात्र जो पिछला पीएससी में थोड़ा बहुत कर रह गया था, उन लोग थोड़ा सा जोर लगाइएगा, हल्के मत लीजिएगा। आप लोग क्या होता है कि ऐसा लगता है कि पिछले बार तो मेहनत तक गए थे, इंटरव्यू तक गए थे, इस बार तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उस समय अलग बात था, अभी कुछ और हो सकता अलग बात होगा, इसलिए उस चीज़ का दिमाग में नहीं रखना है, ठीक। बस आपको ये दिमाग में चलना है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। पीटी तो निकल ही गया, मेंस में अच्छा नंबर लाना है और इंटरव्यू में नंबर लाना, ताकि पिछला जैसा मतलब रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि होता है क्या, बहुत सारे पीटी देता है क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू बढ़िया लगता है, चला जाता है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, जब सेलेक्टेड बंदे का नाम आता है, उसमें आपका नाम नहीं होता है, तो बहुत दुख होता है। इसलिए इस बार थोड़ा जोर लगाइए और मेहनत कीजिए इस बार, ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा खासा सीट भी है, 350 पिछले बार से ज़्यादा सीट है, तो चांसेस है इस बार हो जाएगा, ठीक है। और जोर लगाइएगा, शायद हो जाएगा। और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कभी मेंस का तैयारी नहीं किए थे, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि इस मेंस में छट जाएगा ना, तो हो सके अगले जेपीएससी में आप बाजी मार जाइएगा, तो बहुत अच्छी आपका सोच बहुत अच्छी है। होता है क्या कि बहुत से छात्र जेपीएससी मेन्स पीटी निकालने के बाद एग्जाम छोड़ दिया है, मेन्स तो करेंगे नहीं, ऐसा बहुत लड़का लोग किया है, मेरे ग्रुप में ही खुद किया हुआ है, ठीक है। कि बहुत से लड़का लोग किया हुआ है, देखिए 2 महीने में कुछ तो होगा नहीं, हाँ, लेकिन कुछ लोग लड़का लोग हारने मारा ट्राई करके देखते, अच्छी बात है, सोच भी पॉजिटिव है, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। समय आपके पास है तो करना चाहिए, ठीक है। समय नहीं तो फिर अलग बात है, उसके बहुत अधिक अलग कंडीशन होता है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है, अपना अपना है। खैर चलिए, जो भी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई भी पल अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, आप मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम दिए होंगे, रेगुलर वैकेंसी निकला हुआ, तो इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या 19/2023 का था ये, देखे होंगे, ठीक है। तो आप लोग नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रोल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, और जो कैप्चा दिया हुआ है डालिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप जरूर कमेंट करके बताइए आपका नंबर कितना आ रहा है, कितने नंबर से आप रह चुके हैं, ठीक है, ठीक है, कितने नंबर से आप रह गए और कितना नंबर आपको आ रहा है यहाँ पे। तो ये लिंक ओपन हो गया, जैसे जेपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर वो लिंक को हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक है जेएससी वाला, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट जेपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट खोलिएगा, तो वहाँ आपको ऊपर में दिख जाएगा रेड कलर का, ठीक है, वो दिख जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए, फिर उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका नंबर ठीक ही होगा, और तैयारी कीजिए जबरदस्त तरीका से। बाकी अभी चुनाव का समय चल रहा है दोस्तों, पता ही है, कुछ हो नहीं रहा है कहीं भी, नहीं ना सेंट्रल लेवल से हो रहा है, ना झारखंड स्टेट लेवल में हो रहा है। चुनाव के समय यही होता है, 2-3-4 महीना मंदी पड़ जाता है, ठीक है। मार्केट भी देख रहे होंगे, स्टॉक मार्केट वो भी ग्रो गिरावट आई हुई है, तो हर चीज़ में मतलब मंदी पड़ता है। इस बार चुनाव के बाद ही अब जो होगा, जो भी रफ्तार पकड़ाएगा चुनाव के बाद ही, अब जिस दिन रिजल्ट आएगा 4-5 तारीख को, उसके बाद ही अब कुछ हो सकता है सेंट्रल में या फिर झारखंड स्टेट में, ठीक है। अभी सब मंदी पड़ गया, सब सुस्ता गया है सब, ठीक दोस्तों। इसलिए इसी बीच में थोड़ा बहुत जो तैयारी कर रहा होगा वो आगे निकल जाएगा, ये बात मान के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।